हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि गवर्नमेंट ने आज डीए हाइक करने का डिसीजन लिया है, जो कि पिछले साल एक साल से करीब फ्रीज किया हुआ था गवर्नमेंट ने, जिसको आज रिलीज करने का डिसीजन लिया है। तो 11% डीए बढ़ा है, 17% से डायरेक्ट 28% डीए हो रहा है। तो क्या कुछ आपकी सैलरी में चेंजेस आएंगे और आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस पोस्ट की कितनी सैलरी अब बनेगी, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड बिफोर आई स्टार्ट, हियर इज समथिंग अबाउट अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पर मेरा ये कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का कोर्स है जो कि 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की तैयारी कर पढ़ना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई से ये जो कोर्स शुरू हो रहा है दोपहर के 3 बजे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग की डेली हमारी एक फ्री क्लास हो रही है 1 PM पर, इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और इंग्लिश की डेली फ्री क्लास हो रही है शाम 5 बजे, इसके लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 मंथ, यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 7020 रुपीज में मिल सकता है और 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5850 रुपीज में मिल सकता है। SSC और बैंक दोनों का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1.5 साल का 8000 रुपए में और 3 साल का 10000 रुपए में आपको मिल सकता है। इसको अवेल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMANT नोट कीजिए और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप 8299117042, ये मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल पे भी दिख रहा होगा, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं और कुछ कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आप स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे सर्च करिए @AmanTrivedi, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे मैं आपको आपके लिए वोकैबुलरी की रील्स लेकर आता रहता हूं। तो जो डिसीजन है वो ये है, कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ। गवर्नमेंट ने कमिटी है चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, टुडे हैज अप्रूव्ड इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021, यानी कि 1 जुलाई से जो ये आपका डीए लागू हो जाएगा, 28% रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज ऑफ 11% ओवर द एक्जिस्टिंग रेट ऑफ 17%, जो 17% था उसमें 11% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल 28% जब आप डीए आपका लगेगा। ये जो डीए है वो बीच में 3 बार बढ़ना था, 1 जनवरी को बढ़ना था, 1 जुलाई को बढ़ना था और 1/1/21 को बढ़ना था, लेकिन वो सारे डीए फ्रीज करे हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से बिकॉज ऑफ द कोविड, तो वो अब रिलीज कर दिया गया है एंड नाउ द डीए इज 28%। तो जब डीए 28% हो गया है तो अब हम एक एक पोस्ट वाइज अपने हर ग्रेड पे के वाइज हम अपनी सैलरी देखेंगे कि रिवाइज्ड सैलरी किस पोस्ट की अब कितनी बन रही है, ग्रॉस सैलरी कितनी है और नेट सैलरी कितनी बन रही है, इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पहले जब डीए हमारा आपका 11% था, 17% था, तो हमें जो एचआरए मिलता था वो एचआरए एक्स सिटी में, एक्स सिटी मतलब जो मेट्रो सिटीज होती हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, ये आपकी एक्स सिटी में आती हैं, इसमें आपको 24% डीए मिलता था। वाई सिटी जो आपकी थोड़ी सी नॉन मेट्रो सिटीज होती हैं जैसे कि कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, आपका लखनऊ हो गया, ये सारे आपके भोपाल हो गए, ये आपके नॉन मेट्रो सिटी हैं और इसमें वाई सिटी में आते हैं और इनमें आपको 16% एचआरए मिलता था। जेड सिटी जो थोड़े और इंटीरियर हो जाते हैं जैसे कि फरुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, जो छोटे शहर हैं, उनमें आपको 8% डीए मिलता था बेसिक का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एचआरए का कि द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड टू 27%, 18% और 9% फ्रॉम एक्स, वाई एंड जेड क्लास सिटीज रेस्पेक्टिवली व्हेन द डीए क्रॉसेस 25% एंड फर्दर रिवाइज्ड टू 30%, 20% एंड 10% व्हेन द डीए क्रॉसेस 50%। तो अब जो डीए है वो आपका 25% से ज्यादा हो गया है, सॉरी अब जो डीए है वो आपका 28% हो गया है, विच इज मोर देन 25%। सो नाउ द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड, अब एचआरए के रेट्स रिवाइज हो जाएंगे और ये जो रेट आपको 24% था अब यहां पर 27%, वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में 9% होगा, जिसकी वजह से सैलरी में एक काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है।
तो आइए एक एक पोस्ट वाइज हम देखेंगे और देखेंगे कितनी सैलरी हमारी बन रही है। तो पहली जो ग्रेड पे होती है एसएससी जिसमें रिक्रूटमेंट करती है वो है 4800 ग्रेड पे, और ये होता है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल एओ की पोस्ट के लिए आपका 4800 ग्रेड पे होता है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता है, जब से हमारा 7th पे कमीशन आया है तब से ये ग्रेड पे का कोई सेंस नहीं बचा है, अब पे लेवल 8 पे लेवल के हिसाब से बात होती है। तो पे लेवल 8 में 47,600 से 151,100 रुपए तक का पे बैंड होता है ये, आप मतलब यहां से शुरू करेंगे यहां तक इस पे बैंड में जा सकते हैं। जब आपका एमएससीपी लग जाता है तो ग्रेड पे बदल जाता है, वो खैर अलग चीजें, फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। तो बेसिक मतलब आपका यहां से शुरुआत होता है। तो इसमें 4800 ग्रेड पे की पोस्ट डबल एओ जो है इसमें बेसिक पे हो गया 47,600, डीए जब 28% लगेगा तो ये बन जाएगा 13,328, एचआरए जब बनेगा इसमें आपका एचआरए जैसा मैंने बताया आपका 27% एचआरए हो जाएगा एक्स सिटी का। अच्छा, जो भी हम सैलरी देख रहे हैं वो एक्स सिटी की देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हम एचआरए 27% कंसीडर कर रहे हैं। अगर वाई सिटी की आपको कैलकुलेट करनी हो तो इसी को 18% कर दीजिएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। और जेड सिटी का अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 9% कर दीजिएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो यहां पर एचआरए जो है वो हो जाता है 12,852, टीए आपका हो जाता है 4,608, और जितना गवर्नमेंट आप जो है ये एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप यहां करते हैं तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, ये हो जाता है 8,530। तो ये जो ग्रॉस सैलरी अब बनेगी वो बनेगी 86,918 रुपए। और एनपीएस जो है यहाँ अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, तो ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई, ये आपको मिलेगी नहीं, ग्रॉस आपकी इतनी बन रही है। तो अब एनपीएस में जो ये वाला फैक्टर है और ये वाला फैक्टर है दोनों कट जाएंगे आपके, गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में चला जाएगा और आप वाला कंट्रीब्यूशन जो है 10% ऑफ बेसिक एंड डीए 6,093 रुपए, ये भी आपका एनपीएस में डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सीजीएचएस फैसिलिटी जो हमें मिलती है, एक तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस समझ लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये आपका 650 रुपए का कटता है, और सीजीईआईएस ये भी आपका कटता है 60 रुपए, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई रिकवरी होती है तो थोड़ी बहुत कटौती और होती है। ओवरऑल जो नेट सैलरी बनेगी डबल एओ की वो बनेगी 71,585 रुपए इन एक्स सिटी, ठीक है, एक्स सिटी में जहां पर एचआरए उसका 27% होगा वहां पर 71,585 रुपए सैलरी बनेगी डबल एओ में। तो एक अच्छी खासी सैलरी अब डबल एओ की पोस्ट पे बन जाएगी। दूसरी बात करते हैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में, 4600 ग्रेड पे का पे लेवल होता है 44,900 से 142,400, यानी कि आप यहां से बेसिक शुरू करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति इसी ग्रेड पे रहता है तो वो इस पोस्ट पे इस ग्रेड पे एंड करेगा। ये जो ग्रेड पे है आपका एएसओ जितनी भी हैं, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन मिनिस्ट्री, उन सभी के लिए यही ग्रेड पे रहता है। इंस्पेक्टर पोस्ट जितनी भी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज का हो, या फिर आपका सीबीआई एसआई इन सीबीआई हो, इंस्पेक्टर आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में हो गया, असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इन सभी की ग्रेड पे 4600 होती है। तो इन सभी की सैलरी जो है वो आपकी 4600 ग्रेड पे है। बेसिक पे आपका यहां हो जाता है 44,900 रुपए, यानी कि आपको जो बेसिक मिलता है वो मिलता है 44,900 रुपए इस पोस्ट में। अब जो डीए है जो मैंने आपको बताया 28% आपको जो डीए मैंने आपको यहां बताया 27%, तो 27% जो डीए आपका सॉरी डीए हो गया 28% बढ़ के, तो 28% डीए ये हो जाएगा 12,572। एचआरए जैसा मैंने आपको बताया एक्स सिटी में 27% है, तो ये हो जाएगा 12,123 रुपए। टीए आपको मिलेगा 4,608 रुपए, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका इस पोस्ट में हो जाएगा 8,046 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आपका, और ग्रॉस सैलरी हो जाएगी आपकी 82,249 रुपए, ठीक है। तो 82,249 रुपए 4600 ग्रेड पे की ग्रॉस सैलरी बनेगी, जो कि एनपीएस डिडक्ट होगा, इसमें आपका 10% ऑफ बेसिक एंड डीए 650 रुपए ये कट जाएगा, उसके बाद ये कट जाएगा, और नेट सैलरी आपकी बनेगी 67,746 रुपए इन एक्स सिटी, ठीक है। एक्स सिटी में 27% डीए एचआरए मिल रहा है तो वहां पर 67,746 बनेगी, वाई सिटी में यही 18% हो जाएगा, और जेड सिटी में यही 9% एचआरए हो जाएगा। आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते, कॉमेंट्स में बता देना कितनी सैलरी बनेगी। तीसरी जो हमारी ग्रेड पे होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे, इसका पे लेवल 6 होता है, 35,400 से 112,400 रुपए तक का पे बैंड है ये। तो ये पोस्ट है जो आपका डीए डिविजनल अकाउंटेंट जो कैग में होता है उसके लिए ये ग्रेड पे रहता है, जेएसओ स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर उसके लिए आपका यही ग्रेड पे है, एसआई इन एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में एसआई के लिए यही ग्रेड पे है, जेएसओ मैंने पहले बता दिया, और असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज के लिए आपका ये ग्रेड पे होता है।
तो इसमें 35,400 आपका बेसिक हो गया, 28% डीए 9,912, एचआरए आपको 9,558, 27% जो मिलेगा, टीए 4,608, टीए जो है वो इन दोनों पोस्ट में सेम रहता है, और एनपीएस 6,344, ग्रॉस सैलरी आपकी 65,822 बनेगी, एनपीएस आपका ये कट जाएगा और आपकी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी 54,437 रुपए बन जाएगा। तो 54,437 आपकी 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट में बनेगी, जैसे कि डीए, डिविजनल अकाउंटेंट, जेएसओ, एसआईएन, एनआईए, जेएसओ असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज। इसके अलावा हमारी जो तीसरी चौथी होती है वो है आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट। 2800 ग्रेड पे में आपके पे लेवल 5 होता है, 29,200 आपका बेसिक होता है, 92,300 तक ये जाता है। ये ग्रेड पे ऑडिटर की पोस्ट के लिए है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है। इसमें 2800 ग्रेड पे है, 29,200 आपका बेसिक होता है, डीए आपका 28% लगेगा तो 8,176 रुपए हो गया, एचआरए जैसा मैंने बताया 27%, 7,844, टीए जो है 4,608 रुपए, एनपीएस आपका 5,233 रुपए हो जाता है, ग्रॉस सैलरी आपकी 55,101 हो जाती है, यहाँ पे बाकी डिडक्शन हो जाएंगे तो आपकी जो सैलरी ग्रॉस बनेगी वो बनेगी 45,805 रुपए, 45,805 रुपए सैलरी बनेगी आपकी एक्स सिटी में, ठीक है। वाई सिटी, जेड सिटी में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 18% और 9% डीए के एचआरए के अकॉर्डिंग। एक चीज और आप ये समझ लीजिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट क्वार्टर लेता है तो उसका एचआरए माइनस हो जाता है, तो इस सैलरी में से उसका एचआरए भी माइनस हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अगली हमारी ग्रेड पे होता है वो होता है 2400 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे का पे लेवल होता है 4, 25,500 इसका बेसिक होता है, 81,100 तक के पेमेंट जाता है। ये ग्रेड पे होता है यूडीसी के लिए, टीए यानी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, एसआई इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की पोस्ट का 2400 ग्रेड पे है। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और डीईओ की पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए होता है। तो 2400 ग्रेड पे में 25,500 आपका बेसिक है, इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 48,703 इन एक्स सिटी, और नेट सैलरी जो बनेगी वो 40,589 रुपए आपकी एक्स सिटी में सैलरी बन जाएगी। तो ये आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट हो गई। इसके अलावा 1900 ग्रेड पे जो होता है ये होता है आपका, इसका बेसिक होता है 19,900 से 63,200 तक जाता है। ये आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का यानी कि एलडीसी का ग्रेड पे है। इसमें आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 36,166 बनेगी। आप डीए जब 28% हमारा हो रहा है और एचआरए जो है 27% हो जाएगा इन एक्स सिटी, और ये इसमें आपके कट कटा के आपका 29,773 रुपए आपके हाथ में आ जाएगा, इतना पैसा आपके खाते में आएगा अगर आप एचआरए ले रहे हैं यानी कि आपने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं ले रखा है तो। इसके अलावा अगला जो लास्ट ग्रेड पे है ये सबसे लोएस्ट है, 1800 ग्रेड पे है, इसका आपका पे बैंड होता है 5,200 से 20,200। मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये ग्रेड पे है और इसमें जो बेसिक है वो 18,000 रुपए होता है। यहाँ पर डीए जो है वो 5,040 बनेगा 28%, और एचआरए 5,400 रुपए मिलेगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी एचआरए 5,400 है और यहाँ पर भी एचआरए 5,400 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एचआरए तो 27% होता है बट एक सर्टेन लिमिट होती है, जैसे आप इसका 27% करेंगे तो जो भी आता है वो काफी मतलब एक लिमिट होती है, जैसे 5,400 से कम एचआरए नहीं हो सकता किसी का। ये इसलिए जैसे अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे एचआरए तो वो बनेगा 4,860 रुपए, तो एक लिमिट होती है कि 5,400 से कम एचआरए नहीं हो सकता, इसलिए एमटीएस को भी एचआरए इतना मिलता है और टीए आपको 1,728 रुपए मिल जाएगा, यहां पर ये मिल जाएगा, और ग्रॉस सैलरी जो बनेगी एमटीएस की वो बनेगी 33,394 रुपए, और नेट सैलरी जो है वो 27,584 रुपए उसकी बन जाएगी इन हैंड। तो ये आपकी एमटीएस की सैलरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो ये आपका पूरा सैलरी चार्ट हो गया, हर पोस्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, एमटीएस का 27,500 और एलडीसी का 29,000 रुपए, एक्स सिटी में ये सारी जो सैलरी मैंने कैलकुलेट करी है ये एक्स सिटी का है। अगर आप वाई सिटी और जेड सिटी का चाहते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया आपका जहां पर एचआरए जो है उस अमाउंट को हटा दीजिएगा और वहां पे 18% इन वाई सिटी ऑफ बेसिक पे लिख दीजिएगा, और जेड सिटी के लिए 9% ऑफ बेसिक पे अगर आप लिखेंगे, और फिर आप जब सैलरी जोड़ेंगे तो आपको नेट सैलरी वाई सिटी और जेड सैलरी की सिटी की मिल जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, हर पोस्ट की आपको रिवाइज्ड सैलरी पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बाकी वीडियोज भी आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए आप AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अभी बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है।
आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5850 रुपीज़ में, और अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको 7020 में मिल जाएगा। तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, और इंस्टा पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पर मैं रील्स लेके आता रहता हूँ। तो लेट्स कीप इट टिल हियर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।